हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स भाई केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 5। बच्चों इसमें आज हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। इससे पहले हमने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और उससे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज हमने आपको बताया था कैसे करना होता है। तो जितने भी पार्ट्स हमारे मैक्सिमा और मिनिमा के हैं बच्चों, वो आप जरूर देखिएगा। उनको देखने के बाद ही आप ये जो हम सवाल को लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं वो तभी आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बच्चों ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। हमारे पास क्या होगा ना बच्चों, अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम जब निकालेंगे तो हमारे पास इंटरवल्स गिवन होंगे। इन इंटरवल्स के बीच में और जो इसका खुद का क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, अगर वो इंटरवल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो बच्चों उस पॉइंट के लिए और इंटरवल के लिए हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती है बच्चों। लेकिन याद रखिए हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। होता है क्या एक्चुअली बच्चों, जैसे हमारे पास ये हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों, ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये फंक्शन हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, कहाँ मिनिमम अटेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, ये भी हमारा, ये आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं इसको, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, इस तरह से आप देखेंगे तो कर जब नीचे क्यों डाउन होने लगता है तो ये मिनिमा हो जाता है बच्चों, लोकल मिनिमा हो जाता है, यहाँ लोकल मिनिमा है, यहाँ बहुत सारे एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मिनिमा होते हैं, लोकल मैक्सिमा होते हैं। तो उन लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा होता है देन वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है बच्चों। तो हम यहां देख सकते हैं ये फंक्शन पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा यहां पे आएगा बच्चों, उस फंक्शन के लिए ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा बच्चों, क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। और इसी तरह से ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा बच्चों। ये ध्यान रखिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा, हमेशा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा ही देगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमें करना क्या है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए बच्चों एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालें तो देन हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन हो उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो इस इंटरवल के बीच में लाई करना जरूरी है बच्चों। अगर इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करता है दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं माने जाएंगे, बट आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ज्यादातर इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको वो पॉइंट और ये जो पॉइंट्स दिए हैं मतलब बाहर वाले -2 और 2, इनको भी इंक्लूड करते हुए आपको क्या करना होता है, फंक्शन पे वैल्यूज रखनी होती है और वहां पर हमको पता करना होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। जो सबसे बड़ी होगी बच्चों तो वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास गिवन है बच्चों fx = x³। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, 3x² बच्चों क्या हो जाएगा, 3x². अब हम क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बच्चों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें इस चीज को 0 से इक्वेट कर देना है बच्चों। तो f(x) = 0, तो f(x) की वैल्यू हमारे पास है 3x² को 0 करेंगे तो बच्चों x = 0 आएगा। अब हमको पता है कि x = 0 है बच्चों, 0 बिलोंग्स टू इंटरवल ऑफ -2 और 2 के बीच में आता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा ये इसके बीच में बिलोंग करता है। तो देन हम इस 0 पॉइंट पर और इन दोनों के, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है बच्चों, तो क्लोज जो होता है इंटरवल जो होता है उसमें उसको भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया है x = 0 हम इस फंक्शन में पुट करेंगे बच्चों। तो f(0) आप यहां लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों इस x³ में, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए इंटरवल्स हैं यानी ये वाले -2 और 2 है इनको भी आप रखिए। यहां पे लिखेंगे x = क्या है, -2 है, तो बच्चे यहां पे आपको -2 लगाना है, तो -2 यहां पे लगेगा तो -2 का 3 times मल्टीप्लाई यानी -8 हो गया बच्चों। फिर आपको लगाना है +2 और याद रखिए बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स
और जो हमारे x के क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे वो लेना है, और अगर आपके पास क्लोज ब्रैकेट है यानी क्लोज इंटरवल्स है तो आपको दोनों चाहे वो माइनस टू और प्लस टू यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो दोनों लेने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपको सबको फंक्शन में लगाना होगा, यहाँ पे लगाइए प्लस टू, तो प्लस टू का मतलब यहाँ थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस एट हो गया बच्चों। तो ये देखिए इसमें हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो बताना है और एब्सोल्यूट मिनिमा है वो बताना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे लिखना होगा, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू 8 आ रही है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बच्चों माइनस 8 है। 0 छोटी है लेकिन माइनस 8 सबसे ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम किस वैल्यू पे आ रही है ये भी बताना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एफ टू एफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 8, ये ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बच्चों, ये हमको लिख लेना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी 2 रखने से हुआ है 8, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। क्या करना होगा, आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो और जो इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे बच्चों वो सारे मान आपको फंक्शन में रखने हैं और देन उसमें आपको पता करना है कि उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वही आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चों, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है बच्चों। और फिर हमें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स को जीरो करना है, तो हम यहां से मिलेगा हमको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जीरो कर देंगे, तो यहां पे आपका लिखा रहेगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को आप इधर ले आइए तो कॉस एक्स, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस को नीचे लाइए तो साइन अपॉन कॉस बच्चों टेन एक्स हो जाएगा। क्रॉस से जब कोई साइन तो जब कोई वैल्यू नीचे आती है तो वहां पे 1 बच जाता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लिए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास टेन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है वो टेन में किसका मान है, तो 10 45 डिग्री का मान है यानी कि पाई बाई 4, तो यानी x इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों पाई बाई 4 बिलोंग्स टू इंटरवल ऑफ 0 टू पाई, इसके बीच में वो बिलोंग भी करता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है और ये जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन्हीं पे आपकी फंक्शन चेक किया जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे जिस पॉइंट के लिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो आया है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, याद रखिए बच्चे यहाँ पे आपको दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, क्यों, क्योंकि वो दोबारा डिफरेंशिएशन के लिए आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए करना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है, एफ पाई बाई 4 यहाँ लगाएंगे तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2, यहाँ लगाएंगे तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 यानी क्या आ गया 2/√2। आप चाहो तो बच्चों रूट टू से ऊपर इसे इंटू कर सकते हो या फिर इस टू को लिख सकते हो √2/√2, इस टू को क्या लिख सकते हैं √2/√2 होता है, तो एक √2 कट जाएगा तो बच्चों 1/√2 आपका बच जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको लिखना है किस पर निकालना है, आपको x इज इक्वल टू 0 पर बच्चों, तो 0 पर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एफ 0 और यहाँ लगाइए साइन 0, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 0 और प्लस कॉस 0, साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको x इज इक्वल टू एक पॉइंट और आपके पास बचा है पाई, एक्सट्रीम पॉइंट से बच्चों लगाना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो आप लगाइए यहाँ पे
तो यहाँ लगेगा साइन पाई और प्लस कॉस पाई। बच्चों इसके मान तो टेबल में हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेंट के थ्रू अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको पता है साइन पाई मतलब होता है 180, और 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, और 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगा देंगे, और 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है। तो आप साइन को लिख देंगे कॉस 90, थीटा हमारा यहाँ पे क्या 90, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों जीरो होती है, तो साइन पाई की वैल्यू आ गई जीरो। अच्छा इसी तरह से हम कॉस पाई की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो चलिए कॉस पाई की वैल्यू को भी सीख लेते हैं। और कॉस पाई मतलब होता है 90 प्लस 90। अब ये कॉस 90 प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा बन जाता है साइन थीटा, माइनस का साइन और थीटा की वैल्यू है 90, तो माइनस का 1 आ गया बच्चों, क्या आ गया, तो प्लस हटा दीजिए माइनस 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई माइनस 1। बच्चों आपके पास तीन वैल्यू है, √2, 1 और -1। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू है √2 बच्चों, कैसे, क्योंकि √2 का मान होता है 1.1414, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है ये 1 point something होता है, जबकि ये तो करेक्ट 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो हमें लिखना होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू, इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बच्चों, तो यहां लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आप यहां पे भी लिख सकते हैं इसी जगह, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f pi by 4 इज इक्वल टू √2। उसके बाद बच्चों मिनिमम वैल्यूज बताना है, तो x इज इक्वल टू किस पर मिनिमम आया है, -1 किस पे आ रहा है बच्चों, पाई पे आ रहा है, तो आप यहां लिख देंगे x इक्वल टू पाई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, f और यहां पे रखेंगे पाई, तो पाई की वैल्यू आ रही है -1। बच्चों बस इतना ही करना है, और ये बहुत इजी है, बड़े आसानी से आप लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है f(x) = 4x - x²/2 एंड x बिलोंग्स टू -2, 9/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, थर्ड नंबर है, इससे पहले हमने दो बता दिए, ठीक है। तो चलिए f(x) = 4x - x²/2। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है वो -2 और -2, 9/2 क्लोज इंटरवल के बीच में है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल होने की वजह से इन दोनों वैल्यूज पे भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f(x) 4x का 1 हो जाएगा बच्चों, x² का 2x/2 हो जाएगा, तो केवल बचेगा 4 - x, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है बच्चों, f(x) को 0 सिक्विट करना है, ठीक है, यहाँ 0 सिक्विट करेंगे तो 4 - x = 0, तो -x = -4, यानी x = 4 आया बच्चों। तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है बच्चों, एक तो -2 और 9/2 है और दूसरा 4 भी है, तो इन सभी वैल्यूज पे हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी होगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x = 4, और याद रखिए बच्चों ये 4 जो है ये -2, 9/2 के बीच में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9/2 का मतलब 4.5 होता है बच्चों, और ये आ रहा है 4, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों इंटरवल के बीच में है, ठीक है, तो हम इस पर चेक कर सकते हैं x = 4, ठीक है, x = 4 हम यहाँ लगाएंगे फंक्शन पे, तो हम पाएंगे f4 बच्चों, क्या पाएंगे f4, और यहाँ पे भी 4 लगेगा, तो 4 4 = 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, यानी हो जाएगा 16 - 8 बच्चों आएगा 8। फिर हमें f(x) = लेना है -2 बच्चों, क्या लेना है -2, तो ये भी हम लगा देंगे, -2 लगाएंगे यहाँ पे, तो -2 यहाँ लगेगा, -2 और 4 का इंटू कितना हो जाएगा -8, ठीक है बच्चों, और -2 यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 कर दीजिए तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बच्चों -10। फिर लास्ट पॉइंट आपके पास है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करना है बच्चों, -2 और दूसरा है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 आप लगा लीजिए फंक्शन में, तो f 9/2
जब आप 9 बाई 2 लगाएंगे तो यहाँ 9 बाई 2 होगा, तो यहाँ पे भी 9 बाई 2 हो जाएगा। 9 बाई 2 और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 4, और 2 2 4 और 9 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 80। ये ध्यान रखिएगा, माइनस 9 बाई 2 यहाँ लगाएंगे तो बच्चों 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, और 2 पहले से है तो बच्चों यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कोई कैंसिल तो होगा नहीं, तो 81 ऊपर ही रहेगा, 4 2 जा हो जाएगा 8। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो 18 8 जा हो जाएगा 144, ठीक है बच्चों। और माइनस का 81 इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 4 में से 1 जाएगा 3, और 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6 अपॉन 8, और ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास ये तीन फंक्शन की वैल्यूज आए हुए हैं, तो इसमें जो लोकल सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा है वो आपको बताना है। तो देखिए 8 जा होता है बच्चों 64, तो आप समझ सकते हैं कि ये 8 7 जा होता है कितना है 56 होता है, 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि ये वैल्यूज तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यूज तो नहीं बननी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 8 से तो बड़ी नहीं हो रही है, ये वैल्यू 8 है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 10 है बच्चों, तो ये सबसे छोटी इनकी निगेटिव वैल्यूज है, तो सबसे छोटी यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज हो गई। तो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट मिनिमम। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, आराम से आप लगा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आ रही नहीं, 1 से 2 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला बताते हैं आपको। सेकेंड पार्ट फोर्थ वाला है सॉल्यूशन, सब सवाल इसी तरह से करना है बच्चों आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और जितने भी सवाल हम बता रहे हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न पे है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, और इसको डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1, बच्चों पावर आगे आता है, कंप्लीट वैल्यू को हम x मानते हैं और x की पावर n वाला रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपके पास ये बचेगा। अब हमें f डैश x को बच्चों 0 से इक्वेट कर देना है, और देन यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो x इज इक्वल टू 1 आया, तो आपके पास एक वैल्यू ये हो गई, और ये x बिलोंग्स टू जो होगा बच्चों, क्या इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है, माइनस 3 और 1, ये 1 पे ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे f(x) = 1, फंक्शन चेक होगा बच्चों f 1, यहां पे 1 लगेगा, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 3 हो जाएगा बच्चों। फिर आपको लेना है f(x) = माइनस 3, तो आप माइनस 3 यहां लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा इस x की जगह माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस 3 माइनस 4 बच्चों माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपने नहीं चेक किए, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बच्चों ध्यान रखिए माइनस 3 और 1, देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है, तो आप ये 1 जो आपके पास है वो अब इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एब्सोल्यूट क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट इस पर है बच्चों x इज इक्वल टू 1 पर आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पर बने रहिए, और हम इसी तरह से और भी आपके पास क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे आगे।
इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे, पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।